जी हाँ गाइस, बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टीम का ऐलान कर दिया भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला भी है, जहां टीम इंडिया को दो टेस्ट सीरीज के अलावा 3 T20 मैच भी बांग्लादेश के खिलाफ खेली है। जी हाँ गाइस, क्या होगी बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का प्लेइंग 11 बनाइए जानते हैं वीडियो में। वीडियो में अगर बनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बीसीसीआई ने 16 खिलाड़ियों को चयन किया, जिसमें आपको एक नया चेहरा और दो दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी भी है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीमों में विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। साथ ही तेज गेंदबाज यश जयाल को पहली बार भारतीय टेस्ट टीमों में चुना गया है। टीम कोहली जनवरी 2024 में साउथ अफ्रीका दौरे के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज खेलेंगे। पंत दिसंबर 2022 के बाद पहली बार टेस्ट टीम का हिस्सा बने हैं। केएल राहुल इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन चोट की वजह से बाहर चले गए थे। बुमराह T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पहली बार टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। कप्तानी रोहित शर्मा संभालेंगे, जबकि बतौर स्पिनर आर अश्विन, रविंद जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को चुना गया। बीसीसीआई ने जिन 16 खिलाड़ियों को चयन किया, जिसमें पहला नंबर है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुनून, आर अश्विन, रविंद जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।